ये पूरा डूब के है। बता दे कि ये गोठान के हिस्सा रहे जो खातु कचरा जो कंपोस्ट बनाते नहीं जो गोबर के कंपोस्ट बनाते वो पूरा डूब के हवा ये भयंकर बढ़ा जाता अभी बढ़ भी चाहिए काबर की किसान मन अपन खेत मन फोड़ा चाहिए फोड़ा चाहिए थे ना वो मन भी पूरा डूब के हवा सबका जो है बारिश की स्थिति है। एक बार वो इसने बारिश भी है कमरी से ही ये देख सकता हो कैसे नाला मन जो है उफान में चला था है। ये सारा डी वाले नाला हरे नरवा हरे और जो जुरी उरी मन उखले है जुरी उरी अच्छा कतका चला पानी होती बार कमर पर पानी चला गाड़ी कतक बुढ़ातरी से बता गाड़ी कतक बुढ़ातरी से बता हाँ नाला में तो अभी कहाँ से आता हो आप मन रायगढ़ से मतलब एक हाथ खेत और घर मन देख सकते हो किस प्रकार से डूबे हुए है ईटा पत्थर भी हुआ है ईटा भी डूबे देख सकते हो ये देख सकते हो बाढ़ के मंजर कितना पानी है चारों मुड़ा जो है पानी ही पानी दिखिए आप मन ला एक कुर्सी नारा तो वहाँ भी जो है पानी पूरा पहुँच गया है और वो मंदिर दिखा तो ये आप मन ला थोड़ा से बचे डूबे बार वो मंदिर है ये पूरा देख ये देख सकता हो कैसे नाला मन जो है उफान में चला था है। ये सारा डी वाले नाला हरे नरवा हरे पूरा जो है बाढ़ की स्थिति है आपको मैं दिखाबो अभी खेत ला दिखाबो नाला और जो कहा जाए नरवा और खेत जो है पूरा बराबर हो गया है इतना पानी बारिश हो कि ये स्थिति आप मन देख सकते हो किस प्रकार से पूरा लबालब हो गए है। चलो आप मतलब खेत ला भी दिखा था नरवा और खेत जो है एक मई हो गया हवा ये देख सकता हूँ कैसे किस प्रकार से चला था वह पूरा पानी ये देख सकते हो कैसे खेत में जो है पानी चला था एक नीचे है जो है नरवा हरे फूल चला था ये देख सकता हो खेत में जो है पेड़ गिर गया हवा जो थरहा डाले डाले रही से वो देख सकते हो थरहा उन उफले हवा है ये खेत हरा है खेत है और जो नरवा के पानी जो है एक वही हो गया हवा है पूरा फुल बारिश हो गया हवा है तीन चार दिन के बारिश के बाद की स्थिति आप मन देख सकता हो ये ग्राम भोथाड़ी आ रहा है भोथाड़ी की स्थिति जो नरवा किनारे खेती थे वाला आपको दिखा था इस प्रकार से जो है पूरा बाढ़ की स्थिति आ रहा है ये पेड़ गिर गया देख सकता हूँ ये तो रे खेत है नबड़ दादा वो पेड़ तक गिर के तीस नहीं है हाँ 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 और जो जुरी उरी मन उखले है जुरी उरी हाँ हाँ अच्छा तो यह मतलब रोपो पर लगा लगा के तैयारी थी इसका हाँ अच्छा अच्छा जिन जिन जगह हम नहीं जा रही थे मन में लगाना ही चाहिए पूरा दो तीन खेत था अभी का ऐसे नरवा के हैं पानी में ये स्थिति है संगवारी हो देख सकता हूँ हमारे गांव भोथाड़ी में नरवा से लगे हुए जो खेत है वहाँ जो है पूरा पानी भरे हुए है तीन चार खेत अच्छा अच्छा यू पार के खेत की स्थिति देख सकता हूँ ये पूरा भरे हुए है तीन चार खेत जैसे वो नाला हरे देख सकता हूँ नाला नरवा के पुलिया और बाद से जो है तीमन खेत है तू मन जो है पूरा भरे हुए देख सकता हूँ ये स्थिति है बारिश के बाद हाँ हाँ ये देख सकते मतलब गोठान क्या रखा है
ये पूरा बारिश में बूढ़ गया है, संगवारी देख सकता है। ये पूरा डूब गया है, बता दें कि ये कुठान के हिस्सा है जो खातू कचरा जो कंपोस्ट बनाते, नहीं जो गोबर के कंपोस्ट बनाते हैं, वो पूरा डूब के हवा। ये स्थिति है साराडी में, ये देख सकते हो कुलारी ब्लॉक में आते हैं साराडी है। और बारिश के बाद जो नाला के आसपास के क्षेत्र है पूरा पानी से भरे हुए है ये, और ये स्थिति है। कहाँ ये नहीं था भैया, तो मतलब गौशाला वाले कंपोस्ट है बनाने वाला है, नहीं ये देख सकते हो पूरा गौठान जो है पूरा डूबी के गौठान है। ये पूरा गौठान डूबी के वो रोड है मेन रोड, लेकिन आस पास के क्षेत्र में पूरा देख सकते हो किस प्रकार से मंजर है। बारिश के बाद लगातार सावन में जब से लगे तब से लगातार बारिश हुआ थे, बारिश होने के बाद क्षेत्र के पूरा स्थिति आप मन देख सकता हो। और वर्मी कंपोस्ट और जो खाद वाला कंपोस्ट गोबर वाला जो कंपोस्ट बनाए जाते हैं गौठान में, वहाँ के स्थिति आप मन देख सकते हो किस प्रकार से है लगातार बारिश के चलते। और वहाँ पर जो है नाला हवा है नरवा जेल हम नरवा की छत्तीसगढ़ी माँ वोकर ऊपर से जो है देख सकते हो कच्चा क्षेत्र में जो है अपन असर दिखा थे पानी है। ऐसी स्थिति भैया भयंकर बढ़त जात अभी बढ़ भी चाहिए काबर की किसान मन अपन खेत मन फुड़त चाहिए फुड़त चाहिए ना, तो एक जो अच्छा अच्छा जो कंपोस्ट डाले पर जो चौड़ा बनाए थे ना वो मन भी पूरा डूब के हवा है जो है बारिश की स्थिति है। एक बार वो इसने आरिस भी है कमरी सही कमरी हाँ 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 स्थिति है देख सकते हो सारा डी के ये गौठान हरे। और आप सबको जन से निवेदन है अगर कहीं आप मन जब सफ़र में जाना चाहता हो तो सफ़र ला जो है कैंसिल कर दो, काबर की हर जगह जो है नाला नरवा नहर हर प्रकार के जो है डोड़गी वर्गा डोड़ी वगैरह जो है पार करने लगते हैं, तो ये स्थिति में जो है बहुत ही नामुमकिन है कोई भी सफ़र है। काबर की स्थिति आप मन देख सकते हो पूरा रोड मन जो है अभी बंद हो चुके हवा है। जैसे कि आप मतलब पिछले वीडियो में दिखाए हैं शिवनाथ नदी के बाढ़ कैसे टाइप की रही थी, वो शुरुआती रही थी, अब तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो सोच सकता हूँ अभी का स्थिति हुई शिवनाथ नदी के सिमरिया घाट के पुल के का स्थिति हुई थे, आप मन ये अंदाज़ा लगा सकता हो। तो बने रहे हो संगवारी हमारे चैनल में, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करूँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करूँ, तो कहाँ कहाँ से वीडियो देखा था ये भी बताऊँ आप मन है। और आप मन की का स्थिति है बारिश के जिला भी कमेंट करके जरूर बताओ। ये देख सकते नरवा के कहा स्थिति है बारिश के बाद जो सारा डी नरवा में कहा स्थिति है आप मतलब दिखा था ना। और खेत और घर मतलब देख सकते हो किस प्रकार से डूबे हुए हैं, ईटा भट्टा भी पूरा ईटा भी पूरा डूब के देख सकते हो है प्यारा खर है वो देख रहे पूरा लकड़ी मन झलावर है नरवा में एक घर में खींचा था क्या लकड़ी ना लकड़ी मतलब खींचा था जी बहुत रही इसका वो देख सकता पूरा लकड़ी बहुत रही तेल भैया पूरा लावा जात हवा इतने बड़े चल लकड़ी आवाज है
मंजर वाला देखा तो मैं आदमी वाला देख सकता हूँ। पहली बार जो है इतना पानी आया है, अरे एक बार इतना पानी गिरेगा, आया है पानी बाढ़ पहली बार आए नहीं इतना। तो ये देख सकते हो बाढ़ के मंजर, कितना पानी है चारों मुड़ा जो है पानी ही पानी दिखे आप मंगा। एक कुर्सी नाला है, कुर्सी नाला में जो है देख सकते हो किस प्रकार से पानी है। लगातार बारिश के बाद जो खेती है मंजर है ये क्षेत्र के पूरा खेत मना बुड़े हुए देख सकता हो। आसपास जो इतना भी खेत है वो मना पूरा चपेट में आ गए पानी के बरसात के। और ये साइड से भी आप मतलब दिखा देते हो, और ये पार भी देख सकते हो पूरा आसपास घर, जो आसपास घर है वो मन में जो है पूरा पानी पहुंच चुके हैं नाला के। तो देख सकते हो किनारे किनारे जो घर है वहाँ भी जो है पानी पूरा पहुंच गया हुआ है। और वो मंदिर दिखा तो ये आप मान ला थोड़ा से बचे डूबे वो मंदिर है, ये देख सकते हो ये मंदिर हरे जो शिवलिंग जो स्थापित करी थे वो हरे वो थोड़ा से बचे डूबे पर संगवारी देख सकते हो। इस प्रकार से नज़ारा है, इस प्रकार से मंदिर है, बारिश के बाद जो है आप देख सकते हैं। ये सारा डी गाँव है, सारा डी गाँव के बाद ये रात में देख सकते हैं। यह हरे संगवारी खुर्सी नाला देख सकते हो कत का चला तेला। और अभी हाल हम परसवानी देसुंडा रोड में, और यहाँ पर जैसे भी आप देख सकते हो और एला अंदाज़ा लगाते हुए जो है आप अगर कहीं सफर करें जाता तो इला देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप जो रास्ता में जाऊँ वहाँ जो है नाला बढ़िया से बंद हो सकता है रास्ता। ये स्थिति है अभी बारिश के बाद देख सकता हो। और ये देख सकता हो कुर्सी नाला में जो बहाव है पानी के, देख सकता हो अपन यहाँ जो पुल है बड़े हैं अगर नाम से जो है बढ़िया ठीक ठाक जो है आवागमन हो जाते हैं। लेकिन जब से भी रोड रोड की क्या स्थिति होती है, नाला कोई टूट गया है इसे सब ड्राइवर लोग बताए कि कद का चला पानी होती बार कमर पर पानी चला गाड़ी कतक पूरा तरी से बताया। हाँ हाँ नाला में। तो अभी कहाँ से आता हो आप मन? रायगढ़ से। और रास्ता में नाला वाला पड़ी कि नहीं पड़ी से? हाँ हाँ उतना डूबत रही से मतलब पूरा टायर डूब जाते रही नहीं करती नहीं। ये देख सकता हो यहाँ तीन चार ठो कोयला के गाड़ी है जिन मन जो है रास्ता नाला मन फूल आगे तेका सीधी जो है ये वाले रास्ता में जाते तिल्ला जाना है मतलब। और ये रोड है जो है सीधा तिल्ला के जो है तिल्ला नहीं हो रहा हाईटेक में लाइए मना। और देख सकता हूँ अभी जो स्थिति है बारिश के बाद जो पानी अपना चला है नदवा नाला में तेगर का। ये पूरा देख सकता हूँ किस प्रकार से जो है नाला चला था कुर्सी नाला में जाके मिलते हैं मना। और ये पूरा खेत आसपास के क्षेत्र जो खेत हवा है वो मन जो है पूरा डूब के हवा है नरवा के पानी में। ये देख सकता हूँ अपन पूरा दिक्कत हुई। चलो आगे की स्थिति आप मैं देखा था संगवारी हो।